अब पुलिस को ऐसा है, पुलिस को तो जो आदेश है वो हिसाब से पुलिस काम करेगी। देखिए जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं सबको, आप यहाँ काय के लिए आए थे, किसने आए थे, ईवीएम हटाने के मोर्चे के लिए आप आए थे यहाँ पे, तो ये हिसाब से जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं आंदोलन के लिए, और सारे लोगों का आवाज यहाँ दबाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, देखिए आप पूरा छूट कर लीजिए, इस तरीके से लोगों को अंदर रिजेक्ट किया जा रहा है, बस के अंदर लेके जाया जा रहा है, रेलवे स्टेशन से भी लोगों को वहां पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। पुलिस को तो क्या है, उनको आदेश दिए है कि सबको पकड़ो, तो हिसाब से पुलिस काम करेगी, उनको कोई गलती उनको कुछ बोल के फायदा नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर सत्ता ने अगर आवाज दिया है तो देखिए वो महिला को किस तरीके से अंदर जबरदस्ती लेके जा रहे हैं कि तुम अंदर क्यों आई हो यहाँ पे। देखो आप देखिए, देखिए देखिए इस महिला को देखिए आप किस तरीके से उसको जबरदस्ती लोगों को क्यों आए हो यहाँ पे। तो ऐसा है यहाँ पे, मोदी सरकार का विरोध है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम का विरोध है, लेकिन अभी वो साफ नहीं हो पाई है। एक महिला आई, उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ क्यों आए हो, कह रहे हम इस प्रोटेस्ट में नहीं है। पुलिस ने पूछा, पुलिस से कहा गया, पुलिस ने बोला कि आप चले जाइए, कह रहे थे हमारा देखिए इसको बताइए, बस का देखिए, कोई लोग यहाँ आए कि पकड़ के डाले बस के अंदर, इथे याला पाठवून द्या आपल्या, जेवलो लो जो आए यहाँ पर वो कॉमन आदमी, वो दूसरे काम के लिए आए, पकड़ो अंदर लेके जाओ। सरेआम अगर डेमोक्रेसी का गला घोटे कैसे जाता है ये अगर आपको देखना है तो ये बहुत अच्छा नजारा आज जंतर मंतर पर आपको देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर साथियों, ये वो जगह है जहां पर धारा 144 लागू कर दी है इन्होंने, धारा 144 लागू कर दी है, और उसके बाद में यहाँ पर नहीं लगा सकते है, क्योंकि ये दिस इज दी ओरिजिनल प्लेस जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है, जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है। देखो किस तरीके से जो आदमी शूटिंग कर रहा है उसको भी रोका जा रहा है, और ये सारा का सारा जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। आपके माइकी के लिए बताता, शूटिंग करो, ये करो, वो करो, सारा बंदी है आज के घड़ी में, और देश के अंदर जिस तरीके से डेमोक्रेसी का ये गला घोटे जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा नजारा है आपको देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिन में क्या होने वाला है ये आपको दिखेगा। इतनी पब्लिक और इतनी पुलिस यहाँ लगा के रखी है, कोई भी कॉमन आदमी जंतर मंतर पर नहीं आ सकता है, ध्यान में रखिए। पत्रकारों के ऊपर भी जिस तरीके से दमनकारी नीति हो रही है यहाँ पे, कोई भी पब्लिक यहाँ पर आ रही है, जंतर मंतर ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पर कोई भी एजिटेशन कर सकता था, और यहाँ पर ऐसी बात हो गई है। आज यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी है इन्होंने, जो भी आदमी आए, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से मेरे सामने 10वीं बस है जो लेके जा रहे हैं, 10वीं बस है कम से कम, उधर भी रोक रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे भी रोक रहे हैं, सारे के सारे लोग जो है ना ये रेलवे स्टेशन पे भी रोका जा रहा है। तो कहने का मतलब ऐसा है यहाँ पर कि जो डेमोक्रेसी की सरेआम हत्या जिसको बोलेंगे ना, ये सारी यहाँ पे हो रही है। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।